हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, जेपी यूनिवर्सिटी जो छपरा में है उसका बीएड सेकेंड ईयर सेशन 22-24 का, देखिए बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है सेशन 23-25 का, और बीएड सेकेंड ईयर सेशन 22-24 का एग्ज़ाम डेट जारी नहीं किया गया। देखिए कितना गलत बात है। देखिए एग्ज़ाम कराने के लिए, बीएड का एग्ज़ाम कराने के लिए बीएड सेकेंड ईयर के ही स्टूडेंट गए हुए थे यूनिवर्सिटी में, कुल सचिव से मिले, कुलपति से मिले, परीक्षा नियंत्रक से मिले, और एग्ज़ाम डेट दिए गया फर्स्ट ईयर का। देखिए सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम लेना चाहिए, क्योंकि अभी बीपीएससी TRE4 आने वाला है, स्टेट नया होगा तो उसमें रिजल्ट कंप्लीट चाहिए। अब एग्ज़ाम डेट 21 तारीख से फर्स्ट ईयर का, साथ में ही दोनों का ले लेता। फर्स्ट ईयर का बाद में ही होता, एक मंथ बाद भी होता तो उसका उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका एक मंथ बाद होगा तो बहुत फ़र्क होगा। तो जेपी यूनिवर्सिटी के जो भी परीक्षा नियंत्रक है, कृपया करके इनका एग्ज़ाम डेट निकाल दीजिए, जिससे इन लोगों का क्या हो, भलाई हो जाए। और ये लोग जब दूसरा यूनिवर्सिटी में, आपका बिहार यूनिवर्सिटी हुआ, मिथिला यूनिवर्सिटी हुआ, मौलाना यूनिवर्सिटी, जो जो एक मंथ पहले एग्ज़ाम लिया था, और भी यूनिवर्सिटी है जो बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट जारी कर दिया, और एक यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे स्टूडेंट दौड़े सेकेंड ईयर का, तब जाके एग्ज़ाम डेट निकला, वो भी एग्ज़ाम डेट निकला फर्स्ट ईयर का। तो इसमें सेकेंड ईयर का जल्दी एग्ज़ाम ले लेना चाहिए समझे, क्योंकि लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर का थोड़ा लेट हुआ था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेकेंड ईयर का पहले लेना चाहिए था, जो बहुत न्याय अन्याय हुआ। अभी भी टाइम है, जल्दी लेकर रिजल्ट को एक मंथ के अंदर में जारी करके मार्कशीट ओरिजिनल दे दीजिए, कि वो लोग भी अपना फॉर्म भर सके। तो परीक्षा नियंत्रक से निवेदन है कि वे एग्ज़ाम डेट बीएड सेकेंड ईयर का जारी कीजिए।